Hello, welcome back to my channel Learn English with Sunita. So today we will learn second unit, I Want. This story is the of a monkey who want to become strong. So let's start. I want to be big, says little monkey. I want to be strong. Little monkey क्या बोल रहा है? मैं बड़ा बनना चाहता हूँ. और I want to be strong. और मैं शक्तिशाली भी बनना चाहता हूँ. A wise woman hears him. Take this magic wand. She says, and all your wishes can come true. जब बुद्धिमान स्त्री उसकी बातों को सुन लेती है तो उसको क्या देती है? जादू की छड़ी देती है और कहती है इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी. A giraffe comes by the stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the tree. इस एक जिराफ को पास आता देखता है, वो मंकी क्या है, एक जिराफ को पास आता देखता है और वो अपनी लंबी गर्दन को खींचकर क्या है, बढ़ाता है, स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेस करता है और वो पेड़ के ऊपर से मीठे पत्तियों पत्तों को खा जाता है. I want a long neck, says little monkey. Pop. तो little monkey क्या बोलता है? मुझे एक लंबी गर्दन चाहिए. छोटे बंदर ने क्या कहा? मुझे एक लंबी गर्दन चाहिए. तो क्या पॉप की आवाज आती है. His neck grows long, just like the giraffe. उसकी गर्दन क्या है? लंबी हो जाती है बिल्कुल जिराफ जैसी. Little monkey is happy. और क्या है? छोटा बंदर खुश हो जाता है. An elephant come down to the river. और क्या है? एक हाथी नदी के पास आता है. He fills his trunk with water. वो क्या करता है? अपनी सूंड से पानी को भरता है. He blows it all over himself. और वो क्या है? उस पानी को अपने ऊपर डालता है. I want to do that too. तो little monkey क्या सोच monkey क्या सोचता है? बंदर क्या कहता है? मैं भी ये करना चाहता हूँ. little मंकी कहता है, बंदर छोटा बंदर कहता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ. तो किस तो बैंग तो आवाज आती है बैंग बैंग. जस्ट लाइक दैट ही ग्रोस अ ट्रंक. तो क्या होता है? वो जैसे उसी प्रकार से उसकी भी क्या हो जाती है? सुंड आ जा उसकी भी एक सुंड उगाती है. तो ही इज वेरी हैप्पी. वो क्या है? बहुत खुश हो जाता है. दिस इज फन. ये क्या है? एक मजाक है. ही सेज. नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ जेब्रा. नेक्स्ट क्या देखता है? वो एक जेब्रे को देखता है. और आई वॉन्ट टू स्ट्रिप्स लाइक दोज. तो उसे वो क्या कहता है? मुझे भी स्ट्रिप्स चाहिए कैसी? जैसे जिराफ जिराफ की है. वो कहता है मुझे भी धारियां जिराफ स्ट्रिप्स में धारियां धारियां होती है. जैसे ब्लैक जेबरे में आप जेबरे को आपने देखा होगा, जेबरे में व्हाइट और ब्लैक की धारियां सी बनी होती है. तो लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर द बॉडी जस्ट लाइक द जेबरा. तो क्या है? विस की आवाज आती है फिर से. किस विस की आवाज आती है? ही सेज. जैसे वो कहता है तो विस की आवाज आती है. और क्या होता है? उसके पूरे शरीर में पर धारियां बन जाती है बिल्कुल जेबरे जैसे, जैसे जेबरा होता है. ही इज वेरी हैप्पी. वो क्या है? बहुत खुश हो जाता है. ही गोज टू रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक. वो क्या है? वो अत्यंत खुश हो जाता है और अपनी नई नई सूंड का इस्तेमाल करने के लिए क्या है, वो नदी के पास जाता है. ही लुक्स डाउन. वह नीचे देखता है. एंड ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर. वह अपने आप को पानी में देखता है. मदर और माँ. वह ही क्राइज. वह चिल्लाता है. माँ वो चिल्लाता है. हेल्प अ मॉन्स्टर. एक विशाल प्राणी
एक विशाल प्राणी मतलब मॉन्स्टर मतलब बहुत ही बड़ा राक्षस, हेल्प बचाओ मतलब हेल्प के लिए चिल्लाता है। दैट इज नॉट अ मॉन्स्टर सेज हिज मदर, दैट इज यू। उसकी वो एक वह कोई विशाल प्राणी या राक्षस नहीं है, माँ ने उत्तर दिया। ये क्या है, ये कौन है, ये तुम ही हो। यू वॉन्ट अ जिराफ स्नेक एंड एलिफेंट ट्रंक एंड स्ट्रिप्स लाइक अ जेब्रा, डोंट यू रिमेम्बर। लिटिल मॉन्की क्राइज एंड क्राइज, तुम जिराफ जैसी गर्दन, तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम जिराफ जैसी गर्दन चाहते थे, हाथी जैसी सूंड और जेबरा जैसी धारियां, क्या तुम्हें याद नहीं है। छोटा बंदर क्या है, रोने लगा, क्राइज क्राइज, और बहुत ही रोने लगा। आई लुक होपफुल ही सेज, वो बोल रहा है कि मैं डरावना, वो क्या बोल रहा है, मैं डरावना सा लग रहा हूँ, और मुझे 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 बंदर ही बनना चाहिए। ही वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, तो वो क्या चाहता है कि अब मुझे बंदर ही बनना चाहिए मतलब माई सेल्फ अगेन। देयर इज अ बैंक एंड अ फिश, लिटिल मॉन्की इज हिमसेल्फ अगेन, ही जम्प्स फॉर जॉय। तो वो पॉप और बैग और हिस की आवाज होती है फिर से, और छोटा बंदर पुनः पहले की तरह बन जाता है, वो खुशी से उछलने लगता है, वो फिर से पहले की तरह बन जाता है। ही थ्रो दी मैजिक एंड वांट इनटू द रिवर, ही नेवर वांट टू बी एनीवन एल्स अगेन। तो वो क्या करता है, वो जादू की छड़ी को नदी में फेंक देता है और फिर वो कोई दूसरी चीज नहीं बनना चाहता है। तो न्यू वर्ड से इसमें स्ट्रॉन्ग एंड वांड एंड विशेस एंड ब्लोस एंड ट्रंक मॉन्स्टर। नेक्स्ट है रीडिंग एंड फन, टेक द राइट एंड रॉन्ग। अ लिटिल मॉन्की वांट बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यही क्या है, लिटिल मॉन्की क्या है, क्या बनना चाहता था लिटिल मॉन्की, बिग बनना चाहता था और स्ट्रॉन्ग। अ वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम, क्या वाइज वुमन ने उसको नहीं सुना था, ये गलत है क्योंकि वाइज वुमन ने क्या है उसको उसकी बात को क्या था, सुना था। तो नेक्स्ट है ही गिव्स हिम अ वांड, उसने क्या है, वाइज वुमन ने उसको क्या दिया था, एक मैजिक की छड़ी दी थी। The giraffe stretches his long neck. जिराफ ने क्या है उसकी लॉन्ग नेक को क्या किया था, स्ट्रेचेस किया था, ये भी राइट है। The elephant has no trunk. Elephant के पास क्या ट्रंक नहीं थी, ये क्या है, रॉन्ग है, इट्स मीन ये गलत है। The zebra has stripes. जेबरा के पास क्या थी, स्ट्रिप्स थी, ये क्या है, राइट। The little monkey sees अ मॉन्स्टर इन द रिवर, लिटिल मॉन्की ने रिवर में मॉन्स्टर को देखा था, नहीं उसने खुद को देखा था जिसे देख के वो डर गया था, आपने स्टोरी में पढ़ा था ना। लेट्स टॉक, इज देयर एनी इन योर क्लास होम यू लाइक, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो। आंसर यस, देयर इज अ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स इन योर क्लास, यू कैन राइट डाउन। Do you want to be like her and him and why? क्या तुम उसके या उसकी जैसा बनना चाहते हो और क्यों, आंसर करो। Yes, अगर yes तो I want to become like him because he is very intelligent. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा intelligent हो इसलिए आप उसकी तरह बनना चाहते हो। Do you know about the food that each animal eats? क्या तुम प्रत्येक जानवर के खाने की चीजों के बारे में जानते हो। नो यस या नो, आई थिंक यू डोंट नो सो राइट डाउन नो, इफ यू नो तो राइट डाउन यस। सो लेट्स लिसन, व्हाट डज लिटिल मॉन्की वांट टू बी, छोटा बंदर क्या बनना चाहता था। द लिटिल मॉन्की वांट्स टू बिकम जिराफ और जेब्रा एंड एन एलिफेंट, वो सबसे पहले वो क्या बनना चाहता था, एक क्या बनना चाहता था, सबसे पहले वो एक एलिफेंट जिराफ बनना चाहता था क्योंकि वो उस लॉन्ग
अपने उसको लॉन्ग करते हुए देखता है, एंड सेकंड टाइम वो एलिफेंट बनना चाहता है क्योंकि वो पानी भर के उसको अपने ऊपर डालते हुए देखता है, एंड जेब्रा बनना चाहता है। और नेक्स्ट टाइम है हु हियर्स हिम, उसकी इच्छाओं को कौन सुन लेता है, अ वाइज वीमेन हियर्स हिम, और एक बुद्धिमान लड़की वोमेन उसकी वॉइस उसकी बात को सुन लेती है। हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ, हाथी स्नान कैसे करता है, एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विद द वाटर एंड ब्लोज द वाटर ऑन हिज बॉडी। डज द जेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स, क्या जेब्रा के शरीर में पर धब्बे होते हैं या धारियां, तो आंसर जेब्रा हैज अ स्ट्रिप्स। एंड नेक्स्ट है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, दे ऑल लुक डिफरेंट ऑन फेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू, कंप्लीट द रेस्ट फेस, इट्स डू योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।